देश भर में स्वच्छता के चलते विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं, साथ ही सरकार इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च भी कर रही है। इसी का परिणाम है कि हाल ही के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर 7वीं बार नंबर 1 पर आया है और प्रदेश की राजधानी 5वें स्थान पर पहुंचा है। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो साफ सफाई के मामले में यहाँ आज भी कई जगह गंदगी देखने को मिल ही जाती है, जिसका ताजा उदाहरण आज हम आपके सामने रखेंगे। देश का दल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की धड़कन भोपाल, राजधानी की सड़कों पर कचरे का अंबार, झीलों के शहर फैली गंदगी, लोग हो रहे परेशान, नगर निगम की कार्य प्रणाली पर उठ रहे सवाल, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सफाई नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह कचरा गाड़ी प्रदेश की राजधानी भोपाल की कचरा गाड़ी है। भोपाल नगर निगम वैसे तो साफ सफाई को लेकर कई बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन यह दावे कितने स्टार साबित होते हैं इस बात का पता सब चलता है जब सड़कों पर कचरे का ढेर नजर आता है। इसलिए कई दिनों से नगर निगम की गाड़ियां सड़कों पर पड़े कचरे को नहीं उठा रही है, जिसके चलते सड़कों पर कचरे का ढेर लगा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर फैली गंदगी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां नगर निगम प्रशासन साफ सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन दूसरी ओर इन दावों की तब पोल खुल जाती है जब सड़कों पर गंदगी का अंबार दिखाई देता है। सुंदर जहां हो सपनों के जैसा शहर, नए भारत का नया है सूरज, स्वच्छ है अपना घर, मेरा शहर मेरा है घर, मेरी है ये जिम्मेदारी, मिलके सभी लिखेंगे हम स्वच्छता की कहानी। भोपाल नगर निगम प्रशासन स्वच्छता में अब तक नंबर 1 नहीं बन पाया है, जबकि इंदौर की तुलना में भोपाल में साफ सफाई को लेकर कई तरह के प्रयास भी किए गए, बावजूद इसके यह प्रयास असफल ही साबित हुए हैं। महापौर मालती राय लगातार निरीक्षण भी करती रही, लेकिन उसका भी कोई खास असर शहर की स्वच्छता पर देखने को नहीं मिला। हालांकि डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए कचरा वाहनों को लगाया गया, वहीं रात्रि में चौक चौराहा और बाजारों की सफाई के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई, लेकिन इसके भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि नगर निगम भोपाल के जितने भी दावे हैं वह फेल हो गए। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जो हमारा नया 2024 की जो गाइडलाइन आई गई है, उसके अनुरूप हम लोग सफाई व्यवस्था में लगे हैं। हमारे कमिश्नर साहब डेली सुबह वीसी लेते हैं और जहाँ तक कचरे उठने की बात है, कचरा सेग्रीगेटेड वे में लिया जा रहा है। अगर ऐसा लग रहा है कहीं पर कि कचरा में देरी हो रही, तो उसको भी हम उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहे हैं। जो रोड स्वीपिंग का जो कचरा आता है, जनरली उसमें थोड़ा सा 5 से 7% गीला कचरा हो सकता है, मैक्सिमम उसमें सूखा कचरा होता है, तो कोशिश ये की जाती है कि उसको उसी जगह पर सेग्रीगेट कर लिया जाए, ताकि जो GTS है यानी गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है, वहाँ पर अलग से उनको सेग्रीगेशन नहीं करना पड़े और अनावश्यक देरी वहाँ पर ना हो, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए वहाँ पर हम ऑन साइड उसको सेग्रीगेशन करवा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में सार्वजनिक सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो सड़क किनारे ही कचरा पड़ा रहता है, इसे नियमित रूप से नहीं उठाया जा रहा है, नतीजतन पूरी भोपाल में ही गंदगी फैल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यूं तो स्वच्छता में 5वें नंबर पर यह आया था, लेकिन इंदौर के मुकाबले भोपाल आज भी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी साफ वजह है
कि भोपाल नगर निगम साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सड़कों पर कचरा पड़ा हुआ है, कचरा उठाने के संसाधन नहीं है, जो लेबर काम करती है उनके पास सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं है, और जब से गीला और सूखा कचरा उठाने की परंपरा यहाँ पर स्थापित की गई, इसमें घंटों लग जाते हैं कचरा उठाने में। चंद लेबरों के भरोसे पूरे भोपाल शहर को छोड़ दिया गया और कई इलाकों में तो ये स्थिति बन गई है कि जो कचरा है वो सड़कों पर नजर आने लगा है, यानी गंदगी की इतनी भरमार है जो देखते ही बनती है। गीला सूखा कचरा हटाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद इस लेबर को करना पड़ती है। इस लेबर के पास ना तो हाथ के दस्ताने हैं, ना मास्क से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो उनके स्वास्थ्य के साथ सुरक्षित रह जाए, बल्कि इनके स्वास्थ्य के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम की महापौर, MIC के तमाम सदस्य लगातार निरीक्षण भी करते हैं, लेकिन इसका कोई असर होता दिखाई नहीं देता है। देखना यह होगा कि नगर निगम कब चेतता है, जो असुविधा इन लेबरों को हो रही है उसकी सुविधाओं के क्या इंतजाम करता है, कचरा उठाने के लिए क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं हो सकती हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। और इतना जरूर है कि नगर निगम की पूरी कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन सवालों का जवाब नगर निगम कैसे देगा? कैमरामैन हेमंत यादव के साथ आबिद मुमताज, ACN भारत भोपाल।